आ जाओ इधर से जाओ राधे। सीवन से बिहार पंचमी के दिन प्रकट हुई थी। इसके अंदर में दीदी पांच मंदिर हैं, जो ठाकुर जी राज करने आते हैं कहते हैं वृंदावन सा बन नहीं और नंदगांव सा गांव, बंसी बट सा बट नहीं और कृष्ण नाम सा नाम। तो आज भी ठाकुर जी इसी वन के अंदर में आते हैं। 7:30 बजे के बाद हम आप लोग कोई नहीं रहते इसमें, आजू बाजू घर वाले कभी नहीं देखते हैं यहाँ के लोग। 9 बजे अपनी अपनी विंडो सब बंद कर लेते हैं। जिन लोगों ने यकीन नहीं किया तो उनकी समाधि है। जब तक वृंदावन में चलना, राधे राधे बोलने में और ताली मारने में कंजूसी मत करना, हर चीज में कंजूसी करना। बोलो राधा रानी की, आ जाओ। जन्मों जन्मों के पुण्योदय होते हैं जो श्री धाम वृंदावन आते हैं। हर कोई नहीं आ पाता है वृंदावन, ये तो प्रेम की भूमि है। जितना आनंद वृंदावन में मिलता है कहीं नहीं मिलेगा संसार में। तो यहाँ का जो भी आता है 2-4 दिन और रुक जाए 8 दिन। बोलो राधा रानी की। देखो भैया इसको बोलते हैं प्रकट स्थल दीदी, जो हमारे बांके बिहारी और वृंदावन बिहारी दोनों मूर्ति यहीं से प्रकट हुई थी। ये भाइट वाली मूर्ति है, ये है संगीत सम्राट के गुरु बाबा हरदास जी महाराज। इन्होंने यहाँ 12.5 साल बैठ के तप और भजन किया। करते करते सपना आया रात में, सन 1535 में बिहार पंचमी के दिन दोनों मूर्ति प्रकट की थी। जिनकी गोदी में है बांके बिहारी जाओ या आप होके आए हो बांके बिहारी मंदिर हो यार, जो भगवान श्री कृष्ण है दीदी द्वारका के ही निकलती है, उसकी माला बनती है। आ जाओ। बोलो राधा रानी की। देखो दीदी ये है रास मंडल, जो ठाकुर जी ने 16,108 गोपियों के साथ रास किया था। हम आप लोग आते हैं राधे राधे बोल के जाते हैं। यहीं से भगवान सनन्द का रूप धारण किया है, जो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव मंदिर है, भोले बाबा का गोपी बने। तो हम आप लोग आते हैं राधे राधे नाच गाते जाते हैं। यही खुशियां आपके घर पे पहुंचे जो आप वृंदावन में हंस रहे हो। झाड़ा लगवा लो, कहते हैं किराए में दिया भाड़ा दीदी और तीर्थ में लिया झाड़ा, पाप मोक्ष होते हैं इससे। देखो हर जगह बंसी चोरी राधा रानी मंदिर, ठाकुर जी ने गोपियों, भगवान कृष्ण को हम लोग ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी ने गोपियों का माखन लूट लूट के खाया, नाम पड़ा मक्खन चोर। राधा रानी ने रास स्थल से मोर मुकुट नारियल बंसी चुराई, दीदी इस मंदिर में बजाई। वृंदावन के अंदर में है 5,760 मंदिर, जाओ या जाने का सौभाग्य मिले। हर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, यहाँ साक्षात राधा रानी बंसी बजा रही हैं। आजू बाजू में है सखियां ललता और विशाखा, एल माने ललता भी माने विशाखा, तो बीच में राधा रानी। 5,500 मंदिरों में राधा रानी का एक ही मंदिर है जो स्वयं कृष्ण ही बनी है, बंसी बजा रही है। पूरे ऑल इंडिया में आपने ना कहीं देखा होगा ना सुना होगा राधा रानी बंसी बजा रही है। सभी जगह चोरों की दीदी पिटाई होती है, हमारे यहाँ चोरों की जय जयकार बोली जाती है 2022 में। तो जबी से बंद पड़ा है जी, वो खत्म है गई आंखों से अंधी तैरोज, इनके घर वालों ने जबी से ये बंद करा दी। तो यहाँ के लोग दीदी 9 बजे के बाद कोई नहीं देखती आज भी, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है नदीवन का। जो ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, पहले यमुना जी यहाँ से बहती थी, गोपियां जल में स्नान करती थी, ठाकुर जी ने मना किया क्योंकि माताएं बहनों को जल में नंग स्नान नहीं करना चाहिए, जल की मर्यादा खत्म होती है। ऊपर में सूर्य देवता रहते हैं, नीचे वरुण देवता, तो यहाँ माताएं बहनें वस्त्र दान करती हैं। तो ये है 6,000 साल पुराना पेड़ चीर घाट कदम का पेड़। हाँ।